Welcome to A18 Telangana News. Tombe Hospital today conducted a press meet on the allegations made by Dr. Sultana on Tombe Hospital on treating her and demanding excess amount. Watch hospital clarification on her allegations. A18 Telangana News Bureau. Dr. Assa Sultana jo hai ye patient pehli July ke din saans chadhne ke alamat ke saath hamare dawakhane mein admit hue the aur जिस दिन से एडमिट हुए उनका बिहेवियर थोड़ा जो है सही नहीं था। वो डॉक्टर्स को और नर्सिंग स्टाफ को सारे लोगों को जो है बदतमीज़ी और जो है अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यानी गाली गलौज पे उतरे हुए थे। लेकिन हम ये सोचे कि ये पेशेंट हैं, एज्ड हैं, फिर ऐसे बीमारी में मुब्तला हैं जिससे लोग खायफ हैं और उनके जहनों के ऊपर जो है तासुर है इस बीमारी की वजह से, तो हम उनकी मदद करना चाहे। हमारे नर्सिंग स्टाफ को समझाए बुझाए, उनको जो है इंसेंटिवाइज करे, उनको जो है जो भी इनको केयर करने के लिए जितना कर सकते थे वो सारे चीज़ें की गई। लेकिन इनके इनके जो है बदतमीजियाँ बढ़ती गई। कल जो है एक्चुअली उन्होंने अंदर से दरवाज़ा लगा लिए। ये बात का इन्फॉर्मेशन हम लोकल पुलिस स्टेशन में इमीडिएटली फ़ौरन कर दिए। उनके फैमिली को जो है लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश थी, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट है। हमें ये मालूम हुआ है, पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन इनके घर के दूसरे भी काफ़ी अफराद जो है मुतासिर हैं। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सलीम पल्मोनोलॉजिस्ट है, इनके एक दोस्त हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनसे इनका ताल्लुक़ भी है ये मरीज़ा का, और उनकी वजह से भी जो है ना हम उनको हेल्प करने में जो है ज़्यादा दिलचस्पी दिखाए। खैर उन्होंने अपनी बीमारी के हिसाब से उन्होंने जो अलामतें लेके आए थे, जैसे दम चढ़ने की शिकायत थी, खांसी थी, इन अलामतों में जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया, वो बेहतर महसूस करने लगी। और लेकिन इनके ये दूसरे चीज़ें ऐसी थी कि जो है हम सोचे कि इन घर पे अगर रहेंगे। इल्ज़ाम है कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ उनके साथ जो है ना मिसबिहेव करेबल करके बता रहे हैं, उनका इल्ज़ाम ये है आप लोगों को? नहीं, देखिए ये जो है मरीज़ का तासुर हो सकता है, लेकिन जो है हमारी तरफ से जो है ना किसी किस्म की, देखिए अगर ऐसा अगर होता तो 5 दिन हम उनको अपने दवाखाने में जो है रख लेते नहीं थे, और वो खुद भी नहीं रहते थे। अगर यानी स्टाफ बिल्कुल भी उनको तवज्जो नहीं दे रहा, केयर नहीं कर रहा, या बदतमीजी कर रहा, या उनके साथ नाजेबा जो है अगर कुछ चीज़ हो रही, तो 5 दिन जो है एक लंबा अरसा होता किसी भी यानी आज के वक्त में भी जो है ना बिला वजह के कोई इंसान जो है 5 दिन रहना पसंद नहीं करेगा, अगर उसके लिए हालात साजगार ना हो तो। उसका ये कहना है कि वो कह रही है कि आपके पास से बिल मांगा गया, जब वो बिल नहीं भर सकी तो वार्ड में वहाँ पर खाना नहीं दिया गया। नहीं फाइन, नहीं नहीं देखिए इंजेक्शन नहीं दिया, उनके साथ बदतमीजी की गई। या डॉक्टर साहब कुछ बोलना चाहेंगे? था, मैं डॉक्टर सलीम हूँ, मैं पल्मोनोलॉजी एंड कंसल्टेंट हूँ यहाँ पर। ये मेरे दोस्त के आंटी है और इनके साथ में 2 लोग और भी एडमिट हुए हैं। एक मेल है जो सगे भाई है और एक भतीजे हैं। भतीजे इस वक्त आईसीयू में है, अंडर ट्रीटमेंट है, और जो दूसरे भाई थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक होकर चले गए। मैडम को मैं कुछ दिन से ऑब्जर्व कर रहा था कि आने के वक्त व्हेन शी केम इन द नाइट, रात में आए उन्होंने, तो ER के फिजिशियन जो थे वहाँ पर लोग क्लियरली बोल दिए कि मैडम बेड्स नहीं है एंड यू नीड, एक बेड है हमारे पास जो हम वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है नहीं रख सकते। तो मैडम उस वक्त भी बहुत एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर को बहुत अनाप शनाप बोल दिए उनको। उसके बाद वो आकर यहाँ पर ही बैठे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा एक DMO है, वो लड़की के टीचर थे उन्होंने, तो वो देखकर बोली कि मैडम आप यहाँ पर, तो शी सेड के नहीं मेरे को बेड नहीं मिल रहा। तो ऑन रिक्वेस्ट हम पोर्टेबल ऑक्सीजन के साथ रात में अरेंज करके लेना पड़ा उनको। फिर दूसरे दिन सुबह में हम उनका रूम भी शिफ्ट कर दिए, तभी बता दिया गया था कि इनको बिलिंग के लिए। तो जब मुझे दोबारा कॉल आया तो मैंने बोला कि ठीक है बट उनको वार्ड में रखो, रूम्स में एक्सपेंसिव है, परेशानी होंगी बाद में। तो मैडम ने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, आप लोगों को शर्म आना चाहिए, मेरे को डिलक्स रूम चाहिए अच्छे से वाला। ऑन देयर हर रिक्वेस्ट वी पुट हर इन द डिलक्स रूम। मैडम वहाँ पर भी जाने के बाद इतने सारे इश्यूज़ क्रिएट किए हैं, जो भी सिस्टर आ रही है तेरे पैर ऐसे है, तू ऐसी है, ऐसे कमेंट्स थे। सो वी हैव ऑल, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन द केस शीट। उन्होंने मेरे से भी बदसलूकी करे, मैडम बोल रहे कि इंसुलिन क्यों दिए, जब शुगर बढ़ गया तो हमको इंसुलिन देना ज़रूरी है, जब नहीं है तो नहीं देना है। तो जो सिस्टर को हम ऑर्डर्स दिए वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो, मैडम इज़ इंटरप्टिंग इन माई ट्रीटमेंट, कि ये क्यों दिए, ये नहीं देना था, यूँ ये क्यों कर रहा।
मुझे कुछ रिपोर्ट्स आने के बेसिस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मैडम पहले से ही बोल रहे थे कि मेरे को फुल डोज दे दो इसका। अगर मैं फुल डोज देने गया, अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ प्रॉब्लम आ जाता तो दैट विल इज़ वेरी वर्सन कंडीशन। तो मैं बोला कि मैडम लेट मी गेट द रिपोर्ट्स, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। बट मैडम नहीं सुन रहे थे वहाँ पर, शी इज़ एग्रेसिव विथ मी ऑल्सो। सो आई इमीडिएटली कॉल टू माई फ्रेंड हु इज़ द आंटी, देन आई टेल एवरीथिंग टू हिम कि ऐसा सा चल रहा मैडम का, सो वॉट शुड आई डू, शुड आई कीप हर और शुड आई शिफ्ट टू अदर हॉस्पिटल, एंड शी इज़ नॉट लिसनिंग टू मी ऑल्सो। ही सेड के प्लीज़ ट्राई टू बी कीप हर और उनको ठीक कर बोल। तो मैं और दो दिन उनको मेंटेन किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैडम जो रात में इंसिडेंट किए कि रात में अंदर से रूम लॉक कर लिए, नाइट का डोज देने के बाद रूम लॉक कर लिए, नो अटेंडर्स। तो आई सेड टू इन्फॉर्म टू मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इमीडिएटली, इज एनीथिंग हैपन इन द रूम, वी डोंट हैव एनीथिंग, पेशेंट अचानक कुछ हो गया तो हम कैसा मॉनिटर करेंगे। तो मॉर्निंग जब डोर खुला तो सिस्टर जब 8 o'clock को गए तो बोले कि नहीं मैं 6 o'clock को सोई सुबह में, यू आर नॉट देयर। तो भाई रूम बंद है तो सिस्टर नॉक करे तो भी नहीं खुल रहे, नो अटेंडर्स। उस दिन कोई अटेंडर साथ नहीं था, नो बडी इज़ रेस्पॉन्डिंग टू आर कॉल्स। मुझे रात भर कॉल्स आते गए, तो आई सेड कि आई विल टॉक टू डॉक्टर वसीम। तो वो एक फ्रेंड है मेरे जो इनको मैं इन्फॉर्म कर रहा था हर चीज़। बाद में जब मॉर्निंग का डोज आया तो मैडम मना कर दिए कि नहीं मुझे अभी नहीं, 1 घंटे के बाद दो। तो वैसे ही करते करते जब मैं 11 o'clock को गया उनके राउंड्स पे, तो मुझे कंप्लेन करी कि मॉर्निंग का डोज नहीं दिए। तो मैंने आस्क्ड सिस्टर, तो सिस्टर इज़ क्लियरली मेंशन कि सर हम लोग लास्ट 3 घंटे से उनको एवरी 15 मिनट्स 20 मिनट्स बता रहे हैं कि दवाई देना है। शी सेड के हाफ़ एन आवर के बाद दवा, हाफ़ एन आवर के बाद, ऐसे डिले हो रहा सर। तो फिर मेरा ट्रीटमेंट